सिंध को छोड़ो, बुड्ढो तो जिंदा है, कल भी बुड्ढो जिंदा था, आज भी बुड्ढो जिंदा है। भैया ये बताएं, इतनी महंगाई हो रही है, ये मियां साहब नूनी वाले कर क्या रहे हैं? भाई देखिए, एक शख्स क्या कर सकता है, कितना कर सकता है। उसने लाहौर में मेट्रो चला दी, मेट्रो। उसके अलावा उसने लाहौर को पेरिस बना दिया, पेरिस। आप अज्यूम करें कि वो शख्स कितनी तरक्की करवा सकता था कि पाकिस्तान को, उसको अगर 20-25 साल और मिलते, लेकिन नहीं दिए गए उसको। उसको ज़बरदस्ती जेल में डाला गया, और जब जब नैप ने बुलाया उस बेचारे को, हार्ट अटैक आया। ये गलत होता है हमारे और लीडर के साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। ये साथी भाई, इतनी महंगाई चल रही है, ये क्या करना है आपने? भाई साथी भाई, इतनी महंगाई चल रही है, कुछ आप कुछ करेंगे आप वाले? भाई भाई ने कहा था कि भाई कॉल कर दो, अब लो बम्बू अपने अंदर, लो कंप्यूटर के अंदर अपने। खान साहब क्या कर रहे हैं भाई जान, इतनी महंगाई हो रही है आपके, खान साहब क्या कर रहे हैं? पेट्रोल 100 से ऊपर चले गया। देखिए पेट्रोल से कुछ नहीं होता, गुजारा करना पड़ता है। देखिए दो सलवारें मिलाई है, एक दुपट्टा बनाया, किया गुजारा, इससे कुछ नहीं होता। प्राइम मिनिस्टर सर कुछ होता, और हमारा प्राइम मिनिस्टर तो हैंडसम है ना। आई रे तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे। भाई हम तो यही भाई वाले, जब कोई बल्ली वाली आया थी भैया, जब ये इसमें यही लोटे, हम तो मस्ता थोड़ी है इसमें। सर कैमरा ऑन है। सॉरी 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 जी सर, आप क्या पूछ रहे थे? भाई हम ये कह रहे थे कि मुल्क में इतनी महंगाई हो रही है, मुस्तफा कमाल साहब क्या कर रहे हैं, पीएसपी क्या कर रहे हैं? देखिए बात ये है, मुस्तफा कमाल भाई ने हमें बताया है, जब तक बानी एमकेएम जिंदा है, मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। भाई मुल्क का तरक्की से बानी एमकेएम का क्या ताल्लुक? देखिए ताल्लुक है, ताल्लुक है। नीला मिस्टोम चांद पे गया, उसको नहीं जाना चाहिए, मुस्तफा कमाल भाई को जाना चाहिए था। मुस्तफा कमाल भाई इसलिए नहीं गए क्योंकि बानी एमकेएम ने मुस्तफा कमाल भाई को बिजी रखा हुआ था। आप समझा मेरी बात? देखिए अगर हमारे खादिम साहब आते तो एक वो रियासत फलाही रियासत बनती, जिसमें हर शख्स को इख्तियार दिया जाता, लेकिन उनको नहीं आने दिया गया। तो लेकिन वो कैसे इख्तियार देते हैं? वो तो खुद गालियां बकते हैं, वो कहते हैं वो दल्ला, वो खंजीर, ऐसे बोलते हैं, वो कैसे फलाही रियासत लाते हैं? देखिए गाली नहीं दी है, समझाया है। दल्ले का देखिए मतलब ये होता है, वो शख्स जो कि दलाइल पेश ना कर सके, जो कि झूठी दलाइल दे। अगर कोई शख्स आपको झूठी दलाइल दे रहा है तो आप उसको बोल सकते हो, ओ दल्ले, ओ पादरी, ओ खंजीर, इस तरह सुनो। समझाए, गाली नहीं दी है, समझाने का तरीका है बस, और कुछ नहीं है। बेहतरीन लीडर है वो। अरे डांडा, हम बताएगा तब दिल्ली कैसे आती है, हम बताएगा तब दिल्ली, हमें तो किसी खाते में नहीं ले रहे लोग, हम बताएगा ना। अरे लाइटर की मन करता है, हम बताएगा कहाँ लेके जा रहे हैं हमको, हम बताएगा तब दिल्ली कैसे आता है। हम